न्यूज क्लिक पर ग्राउंड रिपोर्ट बक्सर से। बक्सर में बहुत ही दिलचस्प मौका है इस समय चुनाव का। यहाँ पर मुकाबला है कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा में। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज विजयदशमी का दिन है, इस समय हम खड़े हैं रामरेखा घाट पर। यहाँ पर आज मुंडन हो रहे हैं, तमाम बड़े पैमाने पे नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं। टीवी लगातार एक ढंग के सर्वे दिखा रहा है, तमाम चैनल्स में सर्वे जो आ रहे हैं उसके हिसाब से नीतीश सरकार वापस आ रही है, लेकिन क्या वाकई आम जनता का भी ऐसा ही मानना है? आइए बात करते हैं उनसे। कहाँ रहते हैं आप? बक्सर। अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें पंडित जी लोग काफी नाराज बताए जा रहे हैं, काहे को? मोदी सरकार में पंडित जी का विकास नहीं हुआ है, सवर्ण का आरक्षण नहीं मिला है। सवर्ण का आरक्षण के लिए कांग्रेस ज्यादा प्रभावशाली था, इसलिए हम लोग कांग्रेस का वोट कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज, ये जो लॉकडाउन रहा इससे क्या परेशानी लोग याद है क्या लोगों को? लॉकडाउन में बिहार सरकार जो है जो प्रवासी जाते पढ़ने के लिए लड़कों को सुविधा प्रदान नहीं किया, आने जाने के लिए वाहन नहीं दिया, बिहार में आने के लिए लोग रहे थे कि कोरोना लेकर आएगा, सरकार ने उन्हें दृढ़तापूर्वक व्यवहार किया, इसलिए बिहार के लोग जनता जो है ये मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। बक्सर में क्या होगा? बक्सर में मुना तिवारी विजय होंगे। लेकिन भाजपा से भी तो पंडित ही हैं वहाँ पर। नहीं, मुना तिवारी के पक्ष में ब्राह्मण बहुत ज्यादा है। नीतीश जी ने क्या कहा? नीतीश जी जो कहते हैं जो नहीं करते हैं, मोदी जी भी वही हाल है जो नीतीश का है, जो मोदी जी का हाल है। हम लोग का नया वर्ग युवक का नेता है तेजस्वी यादव, उसको सब लोग मानते हैं, सरकार बनाना है। तो कहते हैं खाली यादव ही वोट देंगे, नहीं, हर एक कास्ट दे रहा है, कोई भी कास्ट। आपका क्या नाम है? हमारा मनोज यादव नाम। अच्छा, तो यादव लोग भी तो पहले बहुत बीजेपी को वोट दिए थे। नहीं देते थे, 19 में तो दिए थे, हवा में दे दिया, अब हवा नहीं का बोल था। लालू यादव का साल में क्या अंतर हुआ? एक साल ही हुआ ना, 2020 है, 19 में सब लोग वोट दिया भाजपा को, अब कहे नहीं दे रहा है? वो सब लोग को तो मरा देगा, वो सब लोग को, जितना आदमी है सब लोग मर जाएगा, मोदी का नीतीश का सरकार रहेगा। क्या सबसे बड़ा परेशानी है? सब कुछ तो परेशानी है। जैसे क्या? जैसे में भी लॉकडाउन लगा है, कितना लोग बाहर में जो जितना लोग कमा रहा है सब आ रहा है पैदल, कितना लोग रोड पर मर गया, लाइन में जाकर मर गया, तो सब लोग बीमारी है ना भाई। सब नीतीश जी मदद नहीं किए कुछ भी नहीं, वो तो बोल रहा था कि जितना भी आ रही है सब मर गए, मोदी जी का पोस्टर लगा है कि हम सब बिहारी को घर घर पहुंचाए। पोस्टर तो कोई लगा देगा, एक पैसा नहीं खर्चा करेगा, कहेगा कि हम करोड़ रुपया खर्चा कर दिए, तो पोस्टर से थोड़ा होगा, दिखाई दे रहा है गाँव गाँव में। आपको लगता है कि बदल जाएगा? सही, जो सब सर्वे दिखा रहा है टीवी वाला, सब दिखा रहा है कि नहीं नहीं बना सड़क से नहीं जो लोग जिएगा, काम से जिएगा, जितना नौजवान है सब पढ़ लिख कर सर्टिफिकेट का अपना घर लेकर रुकेगा, जो पढ़े लिखे हुए हैं अपना सर्विस के लिए पढ़े लिखे हुए।